एवरीवन, और ये आज का ड्रेसिंग है क्योंकि आज मेरा बेबी हो गया है 4 मंथ का और मुझे उसके थोड़े से फोटो शूट करने थे। और मैंने सोचा था सिस्टर आई है तो थोड़ा बाहर भी चले जाएंगे, तो ये देखिए बेबी को मना रही हूँ। इतना भी आसान नहीं होता ना किसी बच्चे का फोटो शूट करना। और मैं बताऊँ तो कुछ टाइम से मेरा मूड बहुत ख़राब चल रहा है घर के माहौल की वजह से। और मैं आपको सच बताऊँ ना, जब घर का माहौल अच्छा नहीं होता है ना तो कुछ अच्छा नहीं लगता है। तो मैं तैयार हो चुकी हूँ, अदनान तैयार हो रहे हैं और ये रही बुशरा। और हम लोग जा रहे हैं थोड़ा सा बाहर क्योंकि आज ये चली भी जाएगी और मेरा बेबी हो गया 4 मंथ का, तो सोचा थोड़ा सा ऐसे टहल के आ जाते हैं। और इन भाई साहब को मूडी ऑफ रहता है, कब से वो बोल रही हूँ बट पता नहीं क्या प्रॉब्लम है। आई हम लोग निकल गए हैं, मेरा बच्चा ये ला इधर पीछे, मेरी बहन कहाँ गई। तो ये देखे रैयान गाड़ी चला रहा है, मम्मा भी बैठी हुई निकल गए। तो मैं सच बताऊँ ना, मेरा इतना मूड ऑफ रहता है फिर भी अल्लाह ने मुझे इतना सब्र दे रखा है कि मैं अपने बच्चे के लिए मूड चेंज कर लेती हूँ और बहुत सब्र करती हूँ। जो जैसा करेगा उसको इसी दुनिया में ही दिखना है। और मैं बताऊँ ना कि लोग कहते हैं बड़े लोग होने से घर में बहुत फ़ायदे होते हैं, बट मुझे लगता है कि कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो आपकी ज़िंदगी नर्क से भी बदतर बना देते हैं, आपका रिलेशन ख़राब कर देते हैं आपकी। मुझे समझ नहीं आता, एक बच्चे को भी नहीं छोड़ते खुन्नस निकालने से। और मुझे नहीं समझ में आता कि अल्लाह का खौफ भी नहीं है। अल्लाह से डरो क्योंकि इसी दुनिया में सब कुछ रह जाएगा, जाना वही है, आपकी आखिरत में आपकी अच्छाइयाँ। तो बस मैं यही कहना चाहूँगी सबसे कि भाई किसी को परेशान इतना भी मत करो कि वो बिल्कुल फ्रस्ट्रेट होकर कुछ गलत कदम ना उठा दे ज़िंदगी में। बात आपकी तक रहती है तब समझ में आता है, बट बच्चे पे बात आती है तो बहुत सी चीज़ें आ जाती है बीच में। और मैं आपको बताऊँ कि उसके बाद मैंने सोचा मेरी सिस्टर आई हुई है तो थोड़ा सा आज 2 दिन के लिए आई थी, उसका वाइबा था तो कॉलेज का, तो इसीलिए तो फिर हम चले गए थोड़ा सा खाने पीने के लिए, थोड़ा मूड चेंज करने क्योंकि आज उसकी ट्रेन भी है तो वो चली भी जाएगी। और मैं सच बताऊँ ना, मुझे समझ नहीं आता लड़की की फैमिली से लोगों को दिक्कत कितनी होती है। क्या तुम्हारी फैमिली फैमिली होती है और दूसरे के बच्चे बच्चे नहीं होते? तो यही सोचना चाहिए कि हर किसी की फैमिली को इम्पोर्टेंट उतना ही दो, तभी तुमको भी इम्पोर्टेंट मिलेगी ज़िंदगी में। पहुंचने के बाद जल्दी जल्दी घर पहुंचे, मैं बताऊं मेरा बच्चा इतना सब्र वाला है कि दूध का पाउडर यही छूट गया था, पानी सिर्फ लेके गई थी। और मैं ना समझ में नहीं आ रहा था क्या करे, बट वहाँ पहुंचने के बाद मेरे बेबी ने इतना साथ दिया मेरा कि हम घर बिना खाए पिए घर आ रहे थे, बट वो सो गया। और मैं आपको सच बताऊँ तो मैं अपनी बहन को लेके गई, कुछ खिलाया पिलाया, देन उसके बाद घर आ गए और बिरयानी उसके लिए गर्म करी, चाय बनाई, देन उसकी रात की ट्रेन थी तो ये देखे निकल गई। और ये आज इतना रो रहा था कि उसको समझ में आ गया कि उसकी खाला जा रही है, तो बहुत ज़्यादा रो रहा था। और मैं सच पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि मेरी ज़िंदगी में घटिया लोगों की लाइन बहुत सारी है, क्योंकि मेरे कुछ मायके में भी हैं और कुछ ससुराल में भी हैं, तो ठीक है, बट कुछ चीज़ें अल्लाह पे छोड़ देना चाहिए। वो जो फैसला करते हैं बहुत अच्छा करते हैं और आई होप कि वो अच्छा ही करेंगे। और बस मैं सबको यही बोलना चाहूँगी, लोगों के साथ रहने से अच्छा आप अकेले ज़िंदगी जी लो, वो ज़्यादा बेटर है। इसलिए अकेले रहो, खुश रहो और जीने दो।